नमस्कार दोस्तों, ऑलराउंडर बात कर रहा हूं। तो स्वागत है आप सबका ऑलराउंडर फैमिली में। तो चलिए, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 23 सितंबर को खेला जा रहा है। तो बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की सीरीज खेली जा रही है। सीरीज का पहला मैच दोनों टीमों के बीच बारिश के चलते रद्द हो गया था। बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था। बारिश आने से पहले न्यूजीलैंड ने 33.4 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 136 रन बनाए थे। तो इस मुकाबले में मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा आप लोगों को, इन दोनों टीमों के बीच में पहला मुकाबला जो खेला गया था वो बारिश की वजह से देखो रद्द हो गया था एक तरीके से। अब ये दूसरा मुकाबला है जो कि भाई आपको देखने को मिलेगा शेरे बंगाल नेशनल क्रिकेट स्टेडियम मीरपुर में। अब ये मीरपुर कहाँ है? ये मीरपुर है बांग्लादेश में। बांग्लादेश अपने गढ़ में अब ये मुकाबला खेल रहा है। अगर देखा जाए रेट का तो मैं देखो रेट फेवर कर रहा है बांग्लादेश के साथ, क्योंकि देखो मीरपुर में मुकाबला खेला जा रहा है और भैया होम ग्राउंड का बहुत एडवांटेज है। होम ग्राउंड का इतना एडवांटेज है कि साउथ अफ्रीका अपने होम टाउन में जीत कर आई है, इंडिया ने पहला मुकाबला अपने होम टाउन में जीता है। वहीं पे इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड भी अपना पूरी की पूरी सीरीज जो कि भाई न्यूजीलैंड के साथ खेली गई थी वो भी पूरी जीती थी। तो यहाँ पे होम टाउन का बहुत एडवांटेज मिलता है। तो वहीं पे मैं आपको पूरी बात बताऊंगा, इन दोनों टीमों के बीच में कुल 39 मुकाबले खेले गए हैं। तो 10 बार जीती है बांग्लादेश और 28 बार जीती है न्यूजीलैंड। तो साफ साफ आपको अंतर दिख रहा होगा कि न्यूजीलैंड कोसों दूर आगे है बांग्लादेश से। तो वहीं पे मैं आपको इन दोनों टीमों के बारे में बताने से पहले बताऊंगा कि भैया ये क्रिकेट ग्राउंड ऐसा क्रिकेट ग्राउंड है जो कि भाई शेरे नेशनल क्रिकेट स्टेडियम मीरपुर का ग्राउंड जो आपको दिख रहा होगा, इसमें एवरेज स्कोर बनता है। एक बार ऑस्ट्रेलिया की टीम दौरा करने के लिए आई थी। अब ऑस्ट्रेलिया कहाँ बांग्लादेश, कंपेरिजन ही नहीं हो पा रहा है। और ऑस्ट्रेलिया की ऐसी टीम नहीं, पैक टीम। चलो उससे पहले मैं आपको रेट बता दूं इन दोनों टीमों का, तो 85-87 पैसे का रेट है और मैच में बांग्लादेश को फेवर किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? होम एडवांटेज मीरपुर का जो ग्राउंड है उसका एडवांटेज बांग्लादेश को मिल रहा है पूरा का पूरा। अगर इन दोनों टीमों के बीच अगर हम मुकाबलों की बात करें तो 10 मुकाबले खेल चुके हैं दोनों टीमें, तो 2 बार ही जीत पाई है बांग्लादेश की टीम और 8 बार जीती है न्यूजीलैंड की टीम। तो यहाँ पे भी कोसों दूर आगे निकल रही है न्यूजीलैंड। और अगर हम बिनिंग की बात करते हैं तो बिन बैट फर्स्ट की बात करें तो बिन बैट फर्स्ट 46% और बॉलिंग की बात करें तो 47%। तो बराबर का मामला है चाहे बॉलिंग लो चाहे बैटिंग। तो चलिए, कुछ अधूरी बातें हैं इन दोनों टीमों के बीच में जो कि मैं आपको बताऊंगा इन दोनों टीमों के मुकाबले जो कि भाई शेरे बंगाल क्रिकेट स्टेडियम मीरपुर में खेले गए हैं, उनके रिकॉर्ड में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे 128 मुकाबले खेले जा चुके हैं, कुल टोटल 128 मैचेस हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो बैटिंग करती है टीम वो 58 बार जीती है फर्स्ट बैटिंग, जो कि भाई बॉलिंग करती है सेकेंड तो वो 67 बार जीती है। तो एवरेज फर्स्ट इनिंग का स्कोर 222, एवरेज सेकंड इनिंग का स्कोर हो जाता है 192 और हाईएस्ट अगर टोटल रिकॉर्डेड की बात करें तो 370 बांग्लादेश और इंडिया के बीच में ये मुकाबला खेला गया था। और वहाँ पे लोएस्ट टोटल रिकॉर्डेड की बात करें तो 58 पे ऑल टीम हुई थी बांग्लादेश की, जो कि इंडिया के साथ ये मुकाबला खेला गया था। तो हाईएस्ट स्कोर चेस्ट की बात करें तो 330 का टारगेट था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला हुआ था। तो यहाँ पे लोएस्ट स्कोर जो कि भाई डिपेंडेड हुआ है 105 जो कि भाई इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मुकाबला खेला गया था। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि ये पिच कैसा रिएक्ट करती है। ये पिच कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये पिच एकदम से बैटिंग का फॉर्मेट बन जाती है और कभी कभी ऐसी भी हो जाती है कि भाई यहाँ पे इतना छोटा टारगेट हो जाता है उसको चेस करने में भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे एक बार ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी दौरा करने के लिए और हुआ क्या था, एक भी मुकाबला नहीं जीतने दिया था बांग्लादेश की टीम ने। और उस मुकाबले में कंटिन्यू जैकपॉट पे जैकपॉट उड़े थे, एक जैकपॉट दूसरा जैकपॉट, पूरा मार्केट यही सोचता रहता था कि बांग्लादेश आज हारेगी। क्योंकि अगर देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का तो बहुत आगे, और ऑस्ट्रेलिया की ऐसी वैसी टीम नहीं आई थी, बाकायदा क्वालिटी वाले प्लेयर्स आए थे, A to Z पूरी की पूरी पैक टीम नजर आ रही थी। उसके बावजूद भी बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को हराई थी पूरी सीरीज, एक मुकाबला भी नहीं जीतने दिया था, क्योंकि उनकी स्पिन डिपार्टमेंट ऑस्ट्रेलिया रीड ही नहीं कर पा रही थी, इतनी स्लो पिचेस होती हैं यहाँ पे मीरपुर पे। तो मैं आगे भी बताऊंगा आपको
आगे जो कि कल टीम में खेले जा सकते हैं प्लेयर्स, उनके बारे में जो मैन मैन प्लेयर्स हैं जो कि मैं जानता हूं उनके बारे में बताऊंगा। तो यहां पे आपको देख रहे होंगे कि लिटिन दास, जो कि भैया अभी एशिया कप हुआ था लिटिन दास दिखे नहीं थे मुझे, अब लिटिन दास दिख रहे हैं, तमीम इकबाल भी दिख रहे हैं, सौम्य सरकार भी दिख रहे हैं। तो ये तीन प्लेयर्स जो कि मैन हो सकते थे एशिया कप में अब अवेलेबल हैं अपने ही होम ग्राउंड में, जो कि कल का मुकाबला खेला जाना है न्यूजीलैंड के साथ। तो वहीं पर मैं आपको बताऊं महमूदुल्ला भी देखते हुए नजर आएंगे, मेहंदी हसन भी हैं, और भी जो मैन प्लेयर्स हैं मुस्तफिकर रहीम भी हैं। तो यहाँ पे जो मैन प्लेयर्स मैंने बताया लिटिन दास, तमीम इकबाल, सौम्य सरकार, महमूदुल्ला और नरुल हसन और मेहंदी हसन और मुस्तफिकर रहीम, तो ये रहमान सॉरी, तो ये प्लेयर्स मैंने आपको बताए हैं, ये प्लेयर्स मैन हैं। कुछ प्लेयर्स हाँ अनएवेलेबल हैं, जो कि भाई आप देखना चाहते हो कि साकिब अल हसन का नाम ले लिया, लेकिन साकिब अल हसन का नाम यहाँ पे शो नहीं हो रहा सेकेंड ओडीआई के लिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, अब तो हमने बात कर ली बांग्लादेश की, अब हम बात करते हैं न्यूजीलैंड की। तो फिन एलन का नाम आपने सुना होगा, विल यंग का नाम आपने सुना होगा, टॉम बिलोंडेंड का नाम सुना होगा, हेनरी निकोलस का नाम सुना होगा, जो मेन प्लेयर्स हैं उनके नाम बता रहा हूं मैं आपको, और इस सोदी का भी नाम सुना होगा, ट्रेंट बोल्ट का भी सुना होगा, और जो कि कप्तानी कर रहे हैं लुकी फर्गसन, तो इनका भी नाम सुना होगा। तो ये जो मेन प्लेयर हैं इसमें से कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते और कभी आपने देखा भी नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि विल यंग एक अच्छे प्लेयर हैं, फिन एलिन अच्छे प्लेयर हैं, हेनरी निकोलस अच्छे प्लेयर हैं, लुकी फॉरिसन को आप जानते हो बॉलिंग करते हुए जो कि कप्तानी कर रहे हैं न्यूजीलैंड की, और इस सोदी जो कि डिपार्टमेंट निभाएंगे, जो कि स्पिन डिपार्टमेंट का इनका जो है फॉर्मूला वो करेंगे। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ एक बात बताऊँ तो यहाँ पे स्पिन डिपार्टमेंट मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये जो प्लेयर है नसुम, ये काफ़ी अच्छी स्पिन करते हैं भाई, एशिया कप में भी अच्छी कर रहे थे, और भैया जब दौरा किया था ऑस्ट्रेलिया ने उस टाइम पे पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया को चित किया था नसुम अहमद ने, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए तो पिछला मुकाबला आप उठा के देख लो, 5 विकेट गिर गए थे 133 रन पे न्यूजीलैंड के, तो वहाँ पे अगर पूरा मुकाबला होता तो मुझे लगता है कि 200 का टारगेट या 220 का टारगेट ही बना पाती न्यूजीलैंड, लेकिन 220 230 भी टारगेट इस पिच पे बड़ा टारगेट हो जाएगा, ये नहीं है कि ये छोटा टारगेट है। तो मैं सिर्फ इतना बताऊंगा ये चूहे बिल्ली वाला खेल हो सकता है, ये चूहे बिल्ली वाला खेल कैसे, यहाँ पे आपको बांग्लादेश भी फेवरेट मिल सकती है और यहाँ पे आपको न्यूजीलैंड भी फेवरेट मिल सकती है। तो भाई देखो रेट जो कह रहा है उस हिसाब से बांग्लादेश को फेवर कर रहा है, और सेकंड मुकाबला है, फर्स्ट मुकाबले में पानी फिर चुका है, अब ये सेकंड मुकाबला कौन जीतेगा आपको क्या लगता है, बांग्लादेश जीतेगी या न्यूजीलैंड जीतेगी? मैच अच्छा होने वाला है, हो सकता है जैकपॉट भी बने, छोटे पैसे से उठ के बड़ी टीम जाए, समझ रहे हो? जैसे मान के चलो ये टीम जो कि भाई 85 पैसे चल रही है अभी बांग्लादेश, ठीक है, अभी हो सकता है कि 2-3 विकेट गिर जाएं न्यूजीलैंड के अगर कल प्ले करने के लिए आती है, तो वहां पे आपको अंडर 30 पैसे 20 पैसे 10 पैसे बांग्लादेश फेवरेट मिल जाए। आप सोचो कि यार 4-5 विकेट गिर गए न्यूजीलैंड के, अब तो बांग्लादेश ही जीतेगी, तो वहां पे करना क्या है, आपको एंट्री लेना है, छोटी एंट्री लेना है छोटे पैसे की, जहां पे आप छोटे पैसे की एंट्री लेके आओगे आपको एक पार्टनरशिप तो लगती हुई नजर आएगी, और जहां पे वो एक पार्टनरशिप लेगी वहीं पे मैच ओपन हो जाएगा, समझ रहे हो? ये छोटा फॉर्मेट वाला मैच होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे आप अगर ये सोचोगे 300 रन के टारगेट बने, ऐसा होने वाला नहीं है। यहाँ पे अगर छोटा टारगेट भी बन जाए 220 230 240 200 के अंडर भी बन गया ना, तभी भी भाई परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भाई न्यूजीलैंड के पास भी बॉलिंग है, ट्रेंट बोल्ट भी है, सोदी भी है उनके पास, है लुकी फर्गसन भी है, और अगर हम यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि भाई अगर न्यूजीलैंड की टीम खेलने के लिए आई पहले, तो यहाँ पे अगर टारगेट दे दिया 200-250 का तो बांग्लादेश के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, और बांग्लादेश ने कहीं गलती से 250 का या 230 का टारगेट दे दिया तो मुझे लगता है बड़ी मुश्किल का सामना करते हुए नजर आएगी न्यूजीलैंड की टीम। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा, बेसक रिकॉर्ड फेवर कर रहे हैं न्यूजीलैंड को, बेसक रिकॉर्ड बता रहे हैं कि 10 मुकाबलों में से 2 बार ही जीती है बांग्लादेश की टीम, लेकिन भाई इस मुकाबले में मेरा साथ तो देखो न्यूजीलैंड की टीम के साथ जा, सॉरी बांग्लादेश की टीम के साथ जा रहा है। क्यों जा रहा है? देखो यहाँ पे बांग्लादेश का मीरपुर स्टेडियम, ठीक है, फर्स्ट नंबर, और दूसरा नंबर मैं क्या बताऊंगा आपको, ये उनके पास स्पिन डिपार्टमेंट, ठीक है, और कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि भाई अच्छा करते हुए आपको दिखेंगे, क्योंकि जब बांग्लादेश की टीम इंडिया की टीम को पटके दे सकती है तो भाई ये न्यूजीलैंड की टीम तो पैक टीम भी नहीं है, यहाँ पे वो प्लेयर्स नजर नहीं आ रहे जो कि क्वालिटी वाले नजर आने चाहिए। तो इतिहास फिर से एक बार दोहरा सकती है बांग्लादेश की टीम, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया को हराया था वो तो बहुत बड़ी बात थी, तो ऐसे ही न्यूजीलैंड की टीम को हरा कर इतिहास बना सकती है बांग्लादेश की टीम अपने ही होम ग्राउंड मीरपुर में। तो कल के मुकाबले में सिर्फ इतना ही बोलूंगा
कि भाई आप लोगों को बांग्लादेश के साथ में चलना है। जब जब फेवर मिल जाए, जब जब फेवरेट मिले न्यूजीलैंड की टीम, तो भैया बांग्लादेश को प्लस करते चलना है। तो बांग्लादेश जीत रहा है कल का मुकाबला, सेकंड ओडीआई मैच का मुकाबला जो कि कल खेला जाना है मीरपुर स्टेडियम में। तो भाई सेकंड मुकाबला कौन जीत रहा है? बांग्लादेश की टीम जीत रही। तो भाई उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, अगर आप सबने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये गूगल है, गूगल पे जाइए तो यहाँ पे आपको डालना क्या, ऑलराउंडर फैमिली। जैसे ही आप हमारे चैनल का नाम सर्च करोगे गूगल पे जाके तो डायरेक्टली ये पन्ना ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक कर दोगे तो डायरेक्टली क्या होगा, मेरा चैनल ओपन होगा। जैसे ही मेरा चैनल ओपन हो जाता है तो यहाँ पे आ जाएगा सब्सक्राइब का ऑप्शन, तो यहाँ पे सब्सक्राइब कर दो भैया, फ्री ऑफ कॉस्ट है। रात में कितने बजे वीडियो बना रहा हूँ आपको भी दिख रहा होगा, दो बज के बारह मिनट पे वीडियो बना रहा हूँ। खाना अभी नहीं खाया, इंडिया वर्सेस और ये ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ बड़ा, उसके बारे में मैं बाद ही में बात करूंगा। अगर उसके बारे में बात की तो सर में दर्द होगा, रात भर सो नहीं पाऊंगा। इसलिए बांग्लादेश बराम न्यूजीलैंड का मुकाबला है, भैया भगवान से दुआ करो इस मुकाबले में एक जैकपॉट मिले, जो मैंने बोला वही सब चीजें हो। तो भाई इससे पहले एक चीज और बताऊंगा, ये जैकपॉट अगर उड़ा तो कैश कैसे करोगे आप लोग? अभी जो मैं बोल के जा रहा हूं वो सब हो रहा है, एक बारी में हो रहा है, आपको डर भी लग रहा है क्योंकि जैकपॉट जब जब उड़ते हैं ना उसको कैश करने के लिए जिगरा चाहिए, और जिगरा होता नहीं है। जिगरा तभी होता है जब आपके सामने कोई हो, बंदा हो, एंट्री दे रहा हो, बोल रहा हो, हाथ पकड़ के बोल रहा हो आपसे कि भाई ले लो एंट्री यार, मैं हूं ना, तो उसके लिए मैं हूं ना, ये मेरा चैनल है ऑलराउंडर फैमिली के नाम से। भाई देखो पुराना अंदाज है, ऊपर नीचे चीजें होती रहती हैं, हार और जीत गेम ऑफ पार्ट है, कभी जीतेंगे कभी हारेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू हारेंगे। अगर ऐसा ही है तो भाई ये दुकान मुझे बंद करनी पड़ेगी, ये चैनल मुझे बंद करना पड़ेगा। तो जीत है हार है, लेकिन जीत अगर 100 में से 90% है और 10% हार है तो ये खेल चलता रहेगा, ये दुकान चलती रहेगी, ये नाम चलता रहेगा। तो ऑलराउंडर फैमिली के नाम से जो चैनल है दिख रहा होगा तो भैया टेलीग्राम पे फटाफट जाओ, कल के मुकाबले में हम और आप वहीं पे मिलेंगे। और करना क्या है आपको, करना कुछ नहीं है, सर्च करना है टेलीग्राम पे जाके ऑलराउंडर फैमिली, ऑल राउंडर फैमिली, ये सर्च कर लेना टेलीग्राम पे जाके, ज्वाइन का ऑप्शन आ जाएगा नीचे, तो ज्वाइन कर लेना मेरे चैनल को। ये सब करके आइए आप हमारे चैनल पे भैया, फैमिली का मेंबर बन जाइए, ऑलराउंडर फैमिली हमारे चैनल का नाम है, फैमिली माने मेंबर, मेंबर माने सदस्य, और तो भाई सदस्य हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके आइए। और मैं बताऊंगा जाते जाते एक चीज और बताऊंगा आप सबसे कि भाई अगर किसी भी भाई को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है कि भाई कैसे कॉन्टेक्ट करें, लिंक नहीं मिल पा रहा चैनल का, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, तो भाई ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, तो सभी भाई अपने डायरी में, अपने व्हाट्सअप पे या फिर अपने फ़ोन में एक बार डायल कर लेना, सेव कर लेना व्हाट्सअप नंबर, तो एक बार नोट कर लीजिए, व्हाट्सअप नंबर मैं दे रहा हूँ आप सबको, 7000650728, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर 7000650728। भैया इस नंबर को एक बार भैया सेव कर लीजिए, बस इतना ही बोलूँगा आप लोगों से। अगर सेव नहीं किया तो सेव करना आपका काम है, अगर नहीं करते तो भाई मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊँगा। इस नंबर को आपको सेव करना है, 7000650728। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ, अगर आप नहीं देख पाया तो उसके लिए मैं फिर से एक बार दोहराऊँगा, 7000650728, 7650728। एक बार सेव कर लेना अपने फ़ोन में, अपने डायरी में, अपने सिस्टम में, कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो भैया एक मैसेज कर देना, बेशक मैं भगवान नहीं हूँ लेकिन कुछ ना कुछ समझाऊँगा आपको। ये जो फील्ड है ना, इसके बारे में जो मैंने देखा है, जो मैंने समय गुजारा है इस फील्ड में, कई लोगों को रोते भी देखा है, कई लोगों को बनते भी देखा है, कई लोगों को क्या बताऊं मैं, राजा से रंक होते भी होते हुए भी देखा है, और कई लोगों को रंक से राजा होते हुए भी देखा है। कुछ लोगों को ऐसा भी देखा है कि जिनके पास भाई कुछ भी नहीं था, जिनके पास खाने के लिए पैसा भी नहीं था, मतलब सॉरी खाने के लिए खाना भी नहीं था, चलने के लिए साइकिल तक नहीं थी, वो लोगों के पास आज गाड़ी है, खाने के लिए वो अगर चाहें तो एक टाइम का खाना होटल में खाएं डेली। ये चीज ऐसी है कि भाई बनते हुए देर नहीं लगता और बिगड़ते हुए भी देर नहीं लगता। तो अगर कभी भी कोई भी दिक्कत में फंसे हुए हो तो एक कॉल, एक मैसेज कर देना, इंसानियत के तौर पे बोल रहा हूँ, कभी भी किसी से भी कोई भी पैसे चार्जेस नहीं लेता मैं, एक बात ध्यान रखना,
एडवाइज के या फिर मैच टिपिंग के या फिर प्रेडिक्शन के नाम पे एक भी पैसा नहीं लेता। अगर आप किसी को एक भी पैसा देकर आ रहे हो तो भैया ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। एक तो पैसा दोगे आप लोग उल्टा हारोगे, देने वाला पैसा भी आपका जाएगा और हारोगे डबल आपका लॉस हो जाएगा। तो एडवाइज भाई एक इंसानियत के तौर पे, भाई के तौर पे, एक तरीके से बड़ा भाई मानो छोटा भाई मानो, उस तौर पे मैं आपको कुछ अगर एक्सप्लेन कर सकता हूँ इस मार्केट के लिए कि भाई अगर आप दलदल में फंसे हुए हो, इतना लॉस है आपका, तो भाई उससे मेरा क्या बिगड़ेगा भाई मेरे। बहुत 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 मार्केट में वो बात करने के पैसे लेते हैं, बट मैं कोई भी पैसा चार्जेस नहीं लूंगा। रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, कभी भी एनी टाइम नंबर मैंने आपको दे दिया था। नहीं दिया तो भैया वीडियो एक बार पॉज करके देख के नोट कर लेना डायरी में और डायल कर देना, मैसेज कर देना कभी भी आपका मन हो। ठीक है, चलता हूँ, मिलते हैं कल 1:30 बजे अपने ही चैनल में, ऑलराउंडर फैमिली में। तब तक ज्वाइन करके रखिए, मिलते हैं, एक मुलाकात होगी बांग्लादेश बनाम न्यूजीलैंड के सेकेंड ODI मैच में। तब तक ख्याल रखिए सभी भाई।